अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जायद अमीन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बाइक मैकेनिक्स। ये हमारे पास 125 का 100 नंबर का पिस्टन है, ये देख सकते हैं आप। और एक इसके लॉक ये है और एक हमने वैसे डाल दिया है। दो लॉक होते हैं इसके, एक पिन है इसमें जो डलती है और ये पांच रिंगें हैं। तो इनके फिटिंग के हवाले से आपको बताएँगे, आपकी रिंगें वो पिस्टन पर किस तरह फिट होती हैं। एक दो तीन तीन काटें यहाँ पर, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर इस पर लिखाई करके एरो के निशान दे के और रिंगों के नाम और इनकी फिटिंग का तरीका। पहले नंबर पे कौन, ये वाइट कलर के मोटे वाली रिंग है, ये सबसे टॉप पे है। इसको हम एक दे देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हमारे पास पाँचवा। ये पहले वाली जो रिंग है इससे बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर रिंग। और ये दूसरे नंबर वाली है, इसको बोलते हैं वाइपर रिंग। मेटल रिंग। और ये तीसरे नंबर वाली है जो आयल वाली रिंग के अपर और लोअर में आती है, इसे बोलते हैं तीसरे नंबर वाली को अपर रिंग। और ये चौथे नंबर वाली, इसे बोलते हैं लोअर रिंग। वालेकुम सलाम। और ये पाँचवें नंबर वाली है, इसे बोलते हैं आयल रिंग। ये इनके नाम हो गए। तो इनके डालने का तरीका, ये किस एंगल पे डलती हैं और किस तरह किस तरतीब से डलती हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास पिस्टन है, ये हमने लॉक डाल दिया है और ये पिन है। इसके अलावा ये पिन है, ये भी डाल के बताएंगे आपको। तो ये पाँचवें नंबर वाली ऑयली रिंग, ये उठा लेनी है। इसका काम ये है कि ये जो पिस्टन में आए सिलेंडर के अंदर जाता है, ये इसे वापस करती है और धकेलती है इन सराहों से वापस अंदर। तो ये जो पिस्टन के इनसाइड है, ये इन लिखा हुआ है ना, तो इसका कट जो है यहाँ पे रखना है, यहाँ पर। यहाँ पर रखना है, इसे बिल्कुल सबसे नीचे लेके जाना है। ये बिल्कुल आ गया बराबर, ये सामने इन साइड पर यहाँ पर रखना है सबसे नीचे। तो उसके बाद ये उठानी है लोअर रिंग जो इसके नीचे डलेगी। तो इसका जो ये वाला कट है, ये आपने रख देना है यहाँ पर, यानी कि अपोजिट साइड पर, हलफ सिमत पर होना चाहिए ये। तो ये इसको, इस कट को यहाँ पे रखना है आपने। तो इसको डाल देते हैं, अपने इसके नीचे लेके जाना है इसको। ये जो आयली रहेंगे इससे नीचे, नीचे वाली साइड पे, यानी लोअर। ये इसका कट हमने यहाँ पे रखा है और तीसरी का कट आपने रख देना है ये अपर का, यहाँ पर, यहाँ पर इसका कट होना चाहिए हलफ समत में हर एक का। इसको इसके ऊपर डाल देना है जो आयली रिंग है। ये आ गया इसका कट यहाँ पर। और इसके बाद ये आपने वाइपर रिंग या मिडल रिंग इसे बोलते हैं, ब्लैक कलर की है, इसको डाल देना है ये दूसरे सराह में इससे ऊपर। तो इसका जो है एक ये हो गई आयली रिंग इन साइड पर, यहाँ पर इन लिखा है यहाँ पर, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये आ गई। तो चौथी आपने यहाँ पे रखनी है इस समत पे, चलो अंडे, चौथी इस साइड पे रखनी है और पांचवी आपने इस समत पे रखनी नहीं है, टॉप वाली। अगर आप चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इसको इससे नीचे वाले पर डालने हैं दूसरे पर। ये इसका काट ये बराबर आ गया है, ये देख सकते हैं इस एरो के निशान पे। चलन देना, खींच बंद कर।
छोड़ दो, जैरो के निशान पे इसका कट आ गया है, ये देख सकते हैं आप। और पांचवी जो ये प्रेशर रिंग है, इसका जो निशान है यहाँ पर कट यहाँ पर होना चाहिए, सब के महालक से मत भी होने चाहिए। ये इसका काम ये होता है कि ये जो हीट है यहाँ पर आग जलती है उसके प्रेशर को मेंटेन करना। ये टॉप पे डलेगी, ये बिल्कुल बराबर होगी, ये जो निशान दिखाए गए हैं पांचवी रिंग जो है इस पे डालनी है। एक आयली रिंग इन वाली साइड पे, ये क्या इन वाली साइड जो है ये आपकी आ जाती है जो आपका कार्बोरेटर है इस वाली साइड पे। इन वाली साइड मिसाल के तौर पर ये पिस्टन है, ये आपके यहाँ से ऊपर डलेगा और ये देख सकते हैं आप इन वाली साइड यहाँ से ऊपर, ये जो कार्बोरेटर वाली साइड है हेड की, इस साइड वाली इन आ जाती है। ये हमेशा याद रखें। और उसके बाद आपने पिन डाल देनी है पिस्टन फिट करने के बाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।